हेलो फ्रेंड्स, आज हम 10 रुपया वाली मिल्क पाउडर से एकदम हलवाई स्टाइल नरम मुलायम गुलाब जामुन बनाएंगे, वो भी सबसे आसान तरीकों से। इस तरह से घर पे ही आप गुलाब जामुन 25 से 30 मिनट में ही बना पाएंगे। और इन गुलाब जामुन बनाने के लिए ना तो आपको पनीर की जरूरत पड़ेगी ना ही मावा की। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट इसको बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने 10 रुपया वाली मिल्क पाउडर की पैकेट लिए है। इसी से ही हम आज की रेसिपी बनाने वाले है। आपको इस ब्रांड का ही मिल्क पाउडर लेना है, ऐसा कोई बात नहीं है। आपने किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सभी ब्रांड का मिल्क पाउडर में सेम रिजल्ट आएगा। वीडियो शुरू होने के पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने अपनी चैनल मलाकी किचन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम इस पैकेट से मिल्क पाउडर को निकाल लेंगे इस कटोरी में। फ्रेंड्स, गुलाब जामुन हमने थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाह रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे 2 पैकेट मिल्क पाउडर यूज़ करेंगे। बात आपने मेजरमेंट के लिए कोई भी कटोरी या कप सेट कर लीजिए, उसी से आप सारा मेजरमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने मिल्क पाउडर को पैकेट से निकाल लिया है। एक पैकेट के अंदर 50 ग्राम मिल्क पाउडर है, 2 पैकेट्स मिला के हुआ है 100 ग्राम। यहाँ पर हमने इस कटोरी को मेजरमेंट के लिए यूज़ करेंगे। सबसे पहले एक कढ़ाई ले लेंगे। इस कढ़ाई के अंदर हमने एक कटोरी दूध ऐड कर देंगे। दूध आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लो फैट मिल्क या फुल फैट मिल्क। एक चम्मच इसमें देसी घी ऐड कर देंगे। साथ हमने 2 चम्मच सूजी ऐड करेंगे। जो सूजी आपके पास है वही आप यूज़ करें। अब हम मिल्क पाउडर को ऐड करेंगे। हमने अभी तक गैस की फ्लेम ऑन नहीं किया है। पहले मिल्क पाउडर को दूध और सूजी के साथ अच्छी से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हमने गैस को ऑन करेंगे। इसमें क्या होगा, दूध में बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़ेंगे। जो मिक्सर है ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम गैस को ऑन करेंगे और इसे 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे स्पून को लगातार चलाते हुए पका लेंगे। अपने देख सकते हैं मिक्सर थिक होना शुरू होने लगा है। लगभग 4 मिनट हो चुकी है, हमारी मिक्सर जो है वो ड्राई हो चुकी है। अब गैस को हम बंद कर देंगे। इसको हम कढ़ाई से प्लेट में निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। हमारी इंस्टेंट मावा जो है गुलाब जामुन बनाने के लिए वो तैयार हो चुकी है। एक बार इकट्ठा करके देखेंगे, अच्छी बाइंडिंग भी आ चुकी है। इसके मुताबिक हमने चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई लिए है, इसमें हमने 2 कटोरी चीनी ऐड करेंगे। हमने 2 कटोरी चीनी लिए है, इसके लिए 2 कटोरी पानी ऐड करेंगे। गुलाब जामुन ज्यादा क्वांटिटी में बना रहे तो चीनी की क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ा दीजिए। जो गुलाब जामुन की चाशनी रहते हैं वो थोड़ी सी पतली बनानी पड़ती है। गुलाब जामुन की अंदर तक अच्छी से रस भरता है और अंदर से नरम रहते हैं। गैस की फ्लेम हमने हाई कर दिए है, बीच बीच में स्पून को चलाते रहेंगे ताकि चीनी जो है कड़ाई के नीचे ना चिपके। फ्लेवर के लिए हमने थोड़ी सी केवड़ा होटल डाल देंगे और थोड़ा सा इलायची पाउडर को भी डाल देंगे। इलायची पाउडर नहीं है तो 2-3 इलायची कूट के भी डाल सकते हैं। कोई तार वगैरह नहीं बनाना है चाशनी में। लगभग 3-4 मिनट के लिए हमने चाशनी पका लिया है। गैस को बंद करके इसको साइड पे रख देते हैं। और यहाँ पे जो गुलाब जामुन का डो वो ठंडा हो चुकी है, हम इसमें बाइंडिंग ऐड करेंगे। उसके लिए हमने 1 चम्मच भर के आटा इस डो में ऐड करेंगे। थोड़ी सी इलायची पाउडर डाल के एक बार अच्छे से मैश कर लेंगे कि अंदर हमने जो आटा ऐड किया है वो बाइंडिंग के लिए ऐड किया है। इसे डायरेक्ट गुलाब जामुन बनाएंगे तो फट जाएगा। ये परफेक्ट मेजरमेंट है, इसे ज्यादा आपको बढ़ाने या घटाने की जरूरत नहीं है। आधी छोटी टीस्पून अपने बेकिंग पाउडर ऐड कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स वो क्लिप वीडियो में शूट नहीं हुआ है। और जो बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे उसके ऊपर 2-4 बूंद पानी स्प्रिंकल कर दीजिए ताकि बेकिंग पाउडर एक्टिव हो जाए। बेकिंग पाउडर मिलाने के बाद आपको इसे ज्यादा मैश नहीं करना है। बेकिंग पाउडर से गुलाब जामुन जो है वो अच्छे से फूल जाता है। अब हम इस डो को छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे। उसके लिए हमने पहले छोटी छोटी लोया काट लेंगे, फिर इसको बॉल्स बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमने सारे बॉल्स को तैयार कर लेंगे। और इसकी जो ऊपर की लेयर है वो इस तरह की क्लीन होना चाहिए। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सारे गुलाब जामुन बॉल्स तैयार कर लिया है। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पे कुछ क्वांटिटी में तेल ऐड किया है कढ़ाई पे और गैस को ऑन कर दिए है। गैस की फ्लेम लो है। एक पीस को लेके आप पहले फ्राई करके देख सकते हैं फ्राई हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि गुलाब जामुन फट जाता है तो थोड़ी सी बाइंडिंग और ऐड कर सकते हैं आपने। गुलाब जामुन अच्छे से फ्राई हो रहा है आपको देख के ही पता चल जाएगा। और ये जो गुलाब जामुन है वो हमने काफी बार बना चुकी है, मैंने सोचा आपको साथ शेयर करना चाहिए इसलिए बना रही हूँ। इसको पहले कढ़ाई से थोड़ा सा हिलाते हुए लो फ्लेम पे पकाना है। लो टू मीडियम पे 5 से 6 मिनट तक पकाने के बाद ये जो सुंदर सा कलर वो आ चुका है। गुलाब जामुन हमारी फ्राई हो चुका है, इसे हम
कढ़ाई से निकाल लेते हैं और गरम गरम में ही चाशनी में डालते जाएंगे। चाशनी भी थोड़ा सा गरम होना चाहिए, तभी इसे आप 30 मिनट के बाद खा सकते हैं। इसे हम ढक के रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। 30 मिनट निकाल चुकी है और ये देखिए फ्रेंड्स, चाशनी के शौक के गुलाब जामुन हमारी डबल हो चुकी है। अब हम इन्हें सर्व करेंगे। अब हमारी गुलाब जामुन 1 किलो से भी ज्यादा बन के तैयार हुआ है। फ्रेंड्स फिर से याद दिला दूं, अगर अभी तक आपने अपने चैनल मलाकी किचन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। रुकिए फ्रेंड्स, हमने आपको एक गुलाब जामुन लेके काट के दिखाते हूँ, इसके अंदर से कितना नरम मुलायम बना है, एकदम हलवाई जैसा बना है, अंदर तक अच्छे से रस भी भरी है। फिर मिलेंगे और एक मजेदार रेसिपी वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे।